नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे दल वाली शिवसेना हमेशा ही विरोध करती देखी गई है। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर सीएम शिंदे पर हमला किया है। अब सीएम शिंदे द्वारा भाजपा के लिए की जा रही विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर आलोचना की जा रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे की अनधिकृत राजनीति खत्म होने वाली है। उन्होंने खोके बांटकर सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन ऐन दिवाली पर उनका मूड साफ तौर पर खराब हो गया है, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि अब वे सत्ता को उसी तरह बरकरार नहीं रख पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे के बारे में ये मजेदार है कि वे खुद को शिवसेना का नेता आदि मानते हैं। उनका दावा है कि उनके साथ जो 40 विधायकों और 10 से 12 सांसदों का गिरोह है, वही शिवसेना है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कई गिरोह टिड्डियां आए हैं और गायब हो गए हैं। वहीं घाती टोली का भी यही हाल होगा। मजेदार बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे अब भाजपा के लिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। यह भी मजाक ही है कि ठाणे की डुप्लीकेट सेना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना राज्य में भाजपा की जीत के लिए प्रचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत पैसों की मस्ती में है। वहीं पैसा, सत्ता और जांच तंत्र ही भाजपा को जीत दिलाती है और यह उनकी जीत का सूत्र है। विचार, नीति आदि नगण्य है। वहीं ऐसे में शिंदे का 4 राज्यों में चुनाव प्रचार करना समझ में आता है। शिंदे और उनकी टोली 4 राज्य में प्रचार करेगी, लेकिन यही लोग मुंबई और ठाणे समेत 14 महानगर पालिकाओं में चुनाव करवाने से डर रहे हैं। ये भी मजेदार है कि शिंदे कभी भी सुसंगत विचारों के लिए प्रख्यात नहीं रहे हैं। शिवसेना के विचार व शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की भूमिका कभी समझ में नहीं आ पाए, इसीलिए वह 5 राज्यों में भाजपा के प्रचार की चाकरी करने जा रहे हैं। वहीं बाला साहब ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में यकीनन थे। वहीं वाजपेयी अडवाणी ने दिल्ली की सत्ता संभाली है। इसके लिए शिवसेना प्रमुख ने उन्हें महाराष्ट्र से जोरदार समर्थन भी दिलाया, लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर भाजपा की मजदूरी नहीं की है। लेकिन आज जब सारा सामान नकली है, तो नकली शिवसेना का गिरोह 4 राज्यों में भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ा है।